एडिफिस इंजीनियरिंग को जो काम दिया गया था वो हमको ये ब्रिज तोड़ना था। अभी ये हमको कैसे तोड़ना है वो हमको डिसाइड करना था। उसके लिए हमने पहले इनिशियल जो हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी डिमोलिशन जिसको हमने ब्लास्टिंग से किया और एक सेकेंडरी डिमोलिशन जो अभी आप देख रहे हो वो चल रहा है, जो ब्रेकर से चल रहा है। प्राइमरी डिमोलिशन का एक इंटेंशन ये था कि हम इसको इतना फ्रैगमेंट कर देवे, इतना छोटे पीसेस कर देवे कि ब्लास्ट करके, ताकि सेकेंडरी एक्टिविटी जो करनी है वो करने में हमको आसानी रहे। इम्प्लोजर अगर आप ब्लास्टिंग मतलब इम्प्लोजन जरूरी नहीं है, जो अभी आप माइंस में देखते हो या अभी रॉक पे होगा, अभी दो घंटे तीन घंटे के बाद रॉक पे भी होगा, उसको भी हम ब्लास्टिंग ही बोलते हैं, इसको भी हम लोग ब्लास्टिंग बोलते हैं। जो अभी हुआ आपने देखा, इसमें स्लैब्स पूरे बिखर गए थे, कोई कोई पोर्शन हमने जानबूझ के छोड़े थे, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पैक्ट अगर ग्राउंड पे करता है तो ग्राउंड पे भी उसका डैमेजेस होने की आशंका थी। इसलिए वो हिसाब से हमने ऐसे भी नहीं किया कि पूरे का पूरा ब्रिज दम करके नीचे आ जाए, उसको इतना फ्रैगमेंट करके छोड़ दिया और एक घंटा हमने ब्रेकर चलाए चारों साइड से, तो आपने देखा पूरा अभी ब्रिज नीचे आ चुका है। अभी हमको जो सेकेंडरी एक्टिविटी करनी है उसको शायद तकरीबन हमको ये दो घंटे का काम है हमारे लिए। ऑलरेडी 8 ब्रेकर्स 6 बकेट्स ऑलरेडी साइट पे है, चल काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने शिफ्टिंग का काम भी पैरेलल चालू कर दिया है। सो ओवरऑल जो हमको टाइम लिमिट दी गई है, हम सोच रहे हैं कि शायद हम उससे पहले ही हम ट्रैफिक को ये परमिशन दे पाए कि जल्दी ये ट्रैफिक चालू हो जाए। और कुछ मेरा नाम उत्कर्ष मेहता, मैं एडिफिस इंजीनियरिंग का पार्टनर हूँ। सर हम लोग ने जो टाइम बताया है, कलेक्टर साहब ने भी जो डिक्लेयर किया है वो 8 बजे का है, 8 बजे तक पूरा ट्रैफिक नॉर्मलाइज हो जाएगा। हावेवर अभी हमको जो देख के लग रहा है और जो अभी टाइम हुआ है, अभी 2:45 बजे हुए हैं, सो तकरीबन ये 8 के पहले ही हो जाना चाहिए, 8 तक भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीटिंग हुई थी तभी भी मैंने क्लियर बताया था, ये एक हम लोग यहाँ फ्रेगमेंट कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव यूज करके हम लोग फ्रेगमेंट कर रहे हैं। हमारा काम है ये डिमोलिश करना, 8 घंटे में फ्रेगमेंट करके उसको तोड़ के उसको यहाँ से क्लियर करके देना, ये हमारा मेन इंटेंशन हमको यहाँ लेके आने का। 8 घंटे में इतने इक्विपमेंट्स लेके आना, उसको क्लियर करवाना इतनी आसान काम नहीं है। और ये जो हमने फ्रैगमेंट भी किया है बहुत सोच समझ के किया है, कि काफ़ी जगह पे हमने छोड़ दिया था, जानबूझ के छोड़ा हुआ है, ऐसे नहीं है कि हमने होल कर दिए और हमने छोड़ दिया, एक्सप्लोसिव कम डाला, नहीं, हमने जानबूझ के छोड़ा था ताकि जब वो नीचे आवे वो धड़म से नीचे ना आवे ज़मीन पर भी, वो भी हमको देखना था। तो वो सब एक फाइन लाइन है जो हमको देखनी थी कि कितना ब्लास्ट करे और कितना ना करे, ताकि हमको वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आसानी पड़े, वो एक इंटेंशन से ये ब्लास्ट हुआ है। तो आपका काम कामयाब रहा ये कहा जा सकता है? 150%, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन रोड को क्लियर करके देना 8 बजे तक है, वो उसके पहले कर दिया, दैट इज वॉट वी वॉन्ट, कि वो 7 बजे हो जावे विल बी मच मोर हैप्पी एंड दैट इज वेयर वील कॉल इट एज अ सक्सेस। इवन इफ इट इज एट 8 वी आर ऑल सक्सेसफुल एज अ टीम, NCC, NHAI, एडिफिस सब साथ में मिलकर हमने जो ये किया है, अगर और एज पर नाउ आई एम 100% श्योर बाई 8 o'clock द रोड्स विल बी ओपन क्लियरली। थैंक यू। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।